गणेश बाड़ दारासा की बस्ती में आगजनी में हुए नुकसान का कलेक्टर ने लिया जायजा। नुकसान का मिलेगा जल्द मुआवजा, नरवाई में आग लगाने वालों पर होगी कार्रवाई। दरअसल बीना थाना क्षेत्र अंतर्गत गणेश बाड़ में दारासा की बस्ती में सोमवार को खेत की नरवाई में लगी आग से मकानों में आग लग गई थी, जिससे कई मकान व वाहन मवेशी चपेट में आ गए और गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं आज सागर कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रशासनिक कंपनी के साथ दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया और पीड़ितों से चर्चा कर मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए जल्द से जल्द व्यवस्था कराने व नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा राहत राशि देने की बात कही है। वहीं कलेक्टर ने अपील की है कि नरवाई में आग नहीं लगाएं, ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान SDM देवेंद्र प्रताप सिंह, SDOP प्रशांत सुमन, नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई, नगर पालिका CMO सुरेखा जाटव, RI पटवारी सहित पुलिस जवान मौजूद रहे। देखिए, ये आगजनी घटना हुई है और जो एक किसान थे पीछे उनके खेत में नरवाई जली थी, नरवाई के कारण ये आग लगी और जैसे ही सूचना मिली तो वैसे ही प्रशासन ने अपने तेजी से आग बुझाने का कार्य भी किया, लेकिन फिर भी काफी लोगों को नुकसान हो गया है और जो आकलन जो नुकसान हुआ है उसका आकलन अभी तक कर लिया गया है क्षति का, और जो भी RBD 64 के राहत के अन्य जो है निर्देश हैं उसके अनुसार जो भी अधिकतम राशि है, जो भी इनकी जो वास्तविक राशि है जिनका जो क्षति हुई है उतनी राशि इनको दी जाएगी। सर, आपके पास लगातार अपील की जा रही है कि जो नरवाई में आग लगाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कई कार्रवाई ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, नरवाई एक ऐसा मामला है जिसके कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं और लगातार इन पर कार्रवाई चल रही हैं, ठीक है। और ये वैसे ज़्यादा समझ की बात ज़्यादा है कि जो नरवाई जला रहे हैं वो अपना दूसरा नुकसान तो कर ही दिया उन्होंने, लेकिन अपना नुकसान भी वो कर रहे हैं। तो ये मेरा सभी से एक बार आप लोगों की तरफ से भी अपील है कि कृपया नरवाई ना जलाएं। एक तो ये आपके खेत को नुकसान कर रहा है, दूसरा ऐसी आगजनी की घटना है और दुर्घटनाओं की संभावना इसके कारण से होती है। नरवाई जलाने वाले जो हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। कल बेलई में भी सर एक आदमी घटना हुई, सास के पाइप जले बड़ी संख्या में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।